Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Pak Videsh Mantri Bilawan Bhutto ke vivadit bayan par bhajpaiyon ne jamkar pradarshan kiya aur Bilawan Bhutto ka putla lekar jiladhikari karyalay pahunche aur Pakistan Murdabad ke nare lagaye. इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा मंत्री सोमेंद्र तोमर जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष और तमाम विधायक मौजूद रहे। इसी के साथ मुस्लिम समर्थक भी मौजूद रहे। दरअसल पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अमेरिका की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। साथ ही ये भी कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले अमेरिका ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। मंत्री ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। पाक मंत्री के इसी विवादित बयान का गुस्सा भाजपाइयों में भरा हुआ है। देखिए विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें। सुनिए भाजपा विधायक सोमेंद्र तोमर ने इस दौरान क्या कहा। सोमेंद्र जी, विरोध प्रदर्शन क्यों है? बीजेपी का अपनी देखिए, मैं सम्मानित पत्रकारों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ है, आज हिंदुस्तान विश्व के स्तर पर आगे बढ़ा है। विश्व पटल पर हम देखें, आज हमारी सरकार की विदेश नीति के कारण चारों तरफ से पाकिस्तान घिरा है। आज G20 की अध्यक्षता यदि कोई देश कर रहा है तो उसमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। वो देश जो हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, एक बौखलाहट है। और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के बारे में टिप्पणी करना वास्तव में बड़ी शर्म है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं होती और वो माफी नहीं मांगती तो किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जिस तरह का आक्रोश है लोगों की भावनाओं को देखते हुए, और आज मोदी जी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा और ऐसी मानसिकता वाले नेता पर कार्रवाई होगी। आइए सुनते हैं अजय गुप्ता ने इस मामले में क्या कहा। ये प्रदर्शन क्यों है? देखिए, जिस तरीके की भाषा का उपयोग संघ के पदाधिकारियों के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के लोगों ने किया है, वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने किया, ये निंदनीय कार्य है। और पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, पाकिस्तान समझ ले कि अब वो हिंदुस्तान नहीं रह गया है। इस देश का प्रधानमंत्री घर में घुस के मारने की ताकत रखता है और एग्जाम्पल उनको दे चुका है, परिणाम उनके सामने है। और अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करते रहे, जो इसका जवाब होगा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी भाषा पर संतुलित रखें और अपने औकात में रहने का काम पाकिस्तान करें। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।